Good morning kids, again I am back with the new video and in this video we will learn something new and in this video you don't have to write anything, okay? And for this we have to sit properly and question you, listen to me very much carefully. So I am showing you one book. Yes, which book is this? It's Atticus. Atticus means, can anyone tell me what is the meaning of Atticus? It shows our behavior towards others, okay? If we learn so many things but our behavior is not good, it's useless, okay? हमने बहुत सारी पढ़ाई कर ली है, we are knowing well, so many things, but our behavior is not good, so people will start a hate us, people हमें like नहीं करेंगे, okay? So in this book, one chapter is there, one lesson is there, showing respect. Respect means क्या? किसी को आदर देना, मान सम्मान देना, ओके? तो हॉल चैप्टर विथ रीडिंग आई विल एक्सप्लेन यू वर्ड टू वर्ड, ओके? इफ यू आर हैविंग द बुक यू कैन रीड अलोंग विथ मी एंड अलोंग विथ द सेंटेंस. रेडी? ओके, आई एम स्टार्टिंग द लेसन. हियर फ्रॉम फर्स्ट आई एम स्टार्टिंग, ओके? रिस्पेक्ट फॉर अदर्स शुड बी अ पार्ट ऑफ अवर बिहेवियर. बिहेवियर मीन्स हमारा जो हम किसी के साथ कैसे बात करते हैं, किसी को हम बुरा बोलते हैं, किसी के साथ हम अच्छे से बात करना, बिहेव करना हमारी लाइफ का एक अच्छा सा पार्ट होना चाहिए. सेकेंड लाइन ही विश योर पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर्स, टीचर्स एंड एल्डर्स चीयरफुल. चीयरफुल मीन्स जब कभी भी हम किसी को भी मिलते हैं, स्कूल में भी आते हैं तो हम क्या करते हैं, रोज रोज के आते तो अच्छा लगता है, किसी को भी हमारे फ्रेंड्स भी हमसे दूर हो जाते हैं तो हमें सबको खुशी से हंस के स्माइली के साथ सबको ग्रीट करना है. जब हम स्कूल में आते हैं फर्स्ट हमें क्या बोलते हैं, टीचर्स को भी हम अप करते हैं, क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग मैम, ओके? तो सबके साथ ऐसा बिहेवियर होना चाहिए. नेक्स्ट इज ओबे योर एल्डर्स. ओबे मीन्स अगर कोई चीज हमें कुछ बोल रहा है तो हमें उस चीज को मानना चाहिए, उस चीज को हमें फॉलो करना चाहिए. एल्डर्स यानी जो भी हमसे बड़ा है, उसकी जो भी अगर हमें बातें बोली है उसको हमें मानना चाहिए. अगर हमने मम्मा को बोला है कि डोंट प्ले विद द नाइफ तो वी शुड फॉलो, ओके? द फिफ्थ इज कीप द शार्प. शार्प यानी जो भी धारदार चीजें होती है ना, सपोज के नाइफ होती है, एंड ऑफ द नाइफ एंड सीजर. सीजर यानी हम आर्ट एंड क्राफ्ट में सीजर से कट करते हैं ना, तो वो सीजर टूवर्ड्स योर सेल्फ वाइल हैंडिंग देम टू अदर्स. अगर सीजर हम किसी को देते हैं तो उसको जो पीछे वाला पार्ट है वो ऐसे उल्टा करके देना है तो सामने वाला उसको अच्छे से होल्ड कर सकते. सिक्स इज ऑलवेज सीक परमिशन. सीक मींस व्हाट? यानी अगर तुम्हारा लेक्चर चल रहा है, ओके, हमें कहीं पे जाना है तो हम क्या करेंगे, हमें पहले हमारा मेन से और परमिशन लेंगे कि मैम अगर मुझे बाहर जाना है तो हम जा सके, अगर क्लास में है तो मैडम से परमिशन लेनी है, और घर पे है तो हमसे जो भी बड़े हैं, दादा दादी है, मम्मी पापा है, तो उसमें पहले हमें परमिशन लेनी है. मे आई, कैन आई, ओके? द सेकेंड इज ऑलवेज नॉक. सी फ्रॉम हियर नाउ आई हैव स्टार्टेड. नॉक जेंटली एट द डोर बिफोर एंटरिंग द रूम. कहीं पे भी हम जाए तो पहले क्या करना चाहिए, नॉक. दिस वे नॉक करते हैं ना, नॉकिंग करते हैं ना, तो अगर हम किसी के भी रूम में जाए तो ऐसे ही चले जाना, पहले हमें क्या करना है, डोर को नॉक करके परमिशन लेनी है. आई कमी, क्या मैं अंदर आ सकते हैं. दिस वे, ओके? द नेक्स्ट इज हैव जेनरसली इन व्हिच एवर वे यू कैन. क्या होता है इसमें, हमें सबके साथ कोई भी वे में हम हेल्प कर सके तो हम सबको हेल्प करनी है, ओके? अगर कोई पेंसिल नहीं लाया है, इरेजर नहीं लाया है, अगर हमारे पास दो है तो हमें उसकी भी शेयरिंग करना है, ओके? द टेन इज इफ यू बोरो एन आर्टिकल. आर्टिकल मीन्स कोई भी चीज. बोरो यानी किसी के पास से लेना. रिटर्न इट एज सून एज पॉसिबल. अगर हमने किसी के पास से कुछ भी चीजें बोल रखी तो हमें क्या करना है, उस चीज को रख लेना है अपने पास. नो, हमें उस चीज को वापिस भी करना है, जिससे भी हमारा काम जल्दी से फिनिश हो जाए. वी हैव टू गिव देम बैक.
At the time, you have to say a thank you. Okay? Give respect to others and to their talents. सब बच्चों में अलग अलग टैलेंट होता है. किसी को ड्राइंग अच्छी आती है, किसी को म्यूजिक अच्छा आता है, किसी को स्केटिंग अच्छा आता है. तो हमें क्या करना चाहिए? उसको रिस्पेक्ट देनी है. सही बोला है, मुझे तो कुछ नहीं आता है ना, ये ना वो ना. डू नॉट वॉक अवे विदाउट लिसनिंग टू अदर्स कम्प्लीटली. अगर कोई बात कर रहा है तो हमें ऐसे वॉक अवे नहीं हो जाना है, पीछे पूछे बिना ऐसे चले नहीं जाना. ओके, now find the page and from here when somebody asks you to pass something do not throw it hand it over to him or her. agar koi hame cheez ko de raha hai, agar hum baithe hain teen char jana aur hame kisi ne bola ki ye cheez le lo to usko pass kar do, to hum kya karte hain? usko aise throw nahi karna hai, hame usko aise hi hand mein hand to hand hand over karna hai. okay, sit at the table only after people senior to you have occupied their seats. generally हम लंच के लिए बैठते हैं और कहीं कभी किसी घर पे जाते हैं तो हमसे जो भी बड़े हैं वो पहले बैठ जाए, तभी उसके बाद ही हमें बैठे हैं. ओके, ऐसा नहीं कि सबसे पहले जाके बैठ गए. then stand up, खड़े रहना है. when somebody senior to you in age or position return a room. जनरली हम ऐसे होते हैं ना, टीचर रूम में अंदर आए तो भी हम खड़े रहते हैं, खड़े हो जाते हैं. तो इस तरह से हमें उसको हमारे रिस्पेक्ट हमारे अंदर इसको शो करनी है, हमारे बिहेवियर्स. थैंक पीपल फॉर देयर असिस्टेंस एंड देयर सपोर्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस. जो भी पीपल, बहुत सारे लोग हमें पूरे दिन में, आप सोच रहे होते बहुत सारे लोग होते हैं पूरे दिन में हमें हेल्प करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वे में. एक घर में होती है तो मम्मा हेल्प करते हैं, दादा दादी पापा, बस में आते तो बस वाले मासी भैया टीचर टीचर, लाइक हमारे स्कूल में भी मासी होते हैं. तो हमें उसको क्या करना चाहिए? हेल्प करते हैं वो लोग हमें, तो हमें उसको थैंक यू बोलना चाहिए. रिस्पेक्ट पीपल इन द कम्युनिटी वेयर यू लिव. लाइक हम जहाँ पर रहते हैं, लाइक घर में अगर हमें मम्मी पापा रिस्पेक्ट दे दी तो इट्स नॉट लाइक ऐसा नहीं है कि मम्मी पापा और टीचर के लिए ही मिले हुए. हम जहाँ पर रहते हैं, हमसे जो भी बड़े हैं आस पास हमारी सोसाइटी के आस पास, सबको हमें रिस्पेक्ट देनी है. एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड यूजिंग अ फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल. जब भी हमें मौका मिले हमारे लाइक लैंग्वेज में पोलाइट होना चाहिए. लाइक अगर हमें कोई करता है तो क्या बोलना चाहिए? थैंक यू. अगर हम अगर बाहर जा रहे हैं खाना खाने तो भैया हम शॉप पर में आते हैं तो उसको भी हमें थैंक यू बोलना चाहिए. घर पे हमारे आस पास बहुत सारे लोग आते हैं हेल्प करते हैं तो उसको भी हमें क्या बोलना चाहिए? थैंक यू. तो वी हैव लर्न द चैप्टर द लेसन्स ऑन रिस्पेक्ट. ओके, एंड यू हैव लर्न सो मेनी थिंग्स इन द चैप्टर. ओके, बाय बाय, कीप लर्निंग. थैंक यू.